आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। स्वागत है आपका प्राइम चर्चा में। और आज हम चर्चा करेंगे कर चोरी पे, यानी कि सबसे बड़ी कर चोरी जो सामने आई है, जिसमें नोटों का भंडार देखने को मिला। सभी देख के दंग रह गए जब वो तस्वीरें सामने आई। नोट गिनने के लिए 13 मशीनें लगी, एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 170 करोड़ रुपए बरामद हुए। तो कर चोरी की आशंका में महानिदेशालय जीएसटी इंटेलिजेंस अहमदाबाद की टीम ने समाजवादी इत्र बनाने वाले जिस पीयूष जैन के यहां गुरुवार को छापा मारा था, शुक्रवार को उसके घर की दीवारों से भी नोट मिले। दीवार को नोट छिपाने के लिए अलग तरह से बनाया गया था। शुक्रवार रात भर कैश गिनने का सिलसिला जारी रहा। कैश गिनने के लिए दूसरे दिन 13 मशीनें मंगानी पड़ी। शुक्रवार रात 175 करोड़ से अधिक की नकदी जब्त की गई। पीयूष जैन का अभी तक सुराग नहीं लगा है। उनके बेटे प्रियांश जैन को टीम ने हिरासत में ले लिया है। कैश ले जाने के लिए 80 बक्सों के साथ ही एक कंटेनर भी मंगाया गया, यानी बक्सों में भर के पैसे लिए गए। पीयूष जैन मूल रूप से कन्नौज के छिपट्टी के रहने वाले हैं। यहां उनकी कई कंपनियां हैं। बुधवार को डीजीआई टीमों ने पीयूष जैन के कानपुर के आनंदीपुरी स्थित घर, फैक्ट्री, ऑफिस, कोल्ड स्टोरेज और पेट्रोल पंप पर एक साथ छापा मारा था। ये कार्रवाई कानपुर, कन्नौज, गुजरात, मुंबई स्थित प्रतिष्ठानों पर एक साथ शुरू हुई। अधिकारियों ने आनंदपुरी स्थित आवास से बड़े पैमाने पर दस्तावेज और 175 करोड़ की नकदी जब्त की। सूत्रों के मुताबिक करोड़ों रुपए की कर चोरी के सबूत हाथ लगे। मुखौटा कंपनियों और फेक इनवॉइस के जरिए करोड़ों रुपए इधर से उधर किए गए, यानी कि जीएसटी की अच्छी खासी चोरी की गई। गलत इनवॉइस बनाया गया और साथ ही जो कंपनियां थी वो लगातार जीएसटी चोरी करती रही। इत्र कारोबारी पीयूष जैन की कंपनी मेसर्स ओडोचेम कंपनी कन्नौज में इत्र का कारोबार करती है, और ये वही कंपनी है जिसने समाजवादी पार्टी के इत्र को भी लॉन्च किया था। कंपनी ज्यादातर काम कैश में करती है, और जब कैश का पता चला, जब छापेमारी की, जीएसटी की चोरी के चलते, आशंका के चलते जब इनके घर पे छापेमारी की गई, तो जब पहुंची है टीम तो नोट देखकर सभी दंग और हैरान रह गए। प्रदेश में सबसे बड़ी रकम मिलने का दावा किया जा रहा है। कि इतनी बड़ी मात्रा में पहली बार प्रदेश में किसी के यहाँ कैश मिला है, क्योंकि हर बार अलग अलग ठिकानों से कैश मिलता है, थोड़ा बहुत कैश मिलता है, और चोरी की बात सामने आती है या फिर ये खबर सामने आती है कि फौरन में लोगों ने धन को छुपा के रखा हुआ है। अगर धन चोरी करी है, अगर टैक्स चोरी करी है, टैक्स पे नहीं किया है, और जितनी भी अवैध संपत्ति है, अघोषित संपत्ति है, तो सभी चीजों को या तो लोग विदेशों में छुपा देते हैं, अलग अलग ठिकानों में छुपाते हैं, या फिर अपने रिश्तेदार के घरों पे या उनके अकाउंट्स में छुपा देते हैं। लेकिन एक जगह से जब इतनी बड़ी रकम मिली, और एक ही जगह से नहीं, अलग अलग जगह पे छापेमारी की गई, अलग अलग जगह से सारा धन मिला है, तो सभी देख के दंग रह गए। पूरे 24 घंटे ये कार्रवाई चलती रही। काफी देर तक टीम के लोग पैसे गिनते रहे और गिनते गिनते थक गए। इतने पैसे थे, इतने नोट थे कि लोग जब थक गए तो उन्होंने मशीनें मंगाई। पहले 9 मशीनें मंगाई गई, फिर 13 मशीनें मंगाई गई। उसके बाद सारा पैसा SBI में भेजा गया। SBI की टीम की भी मदद ली गई पैसे गिनने के लिए। तो 17 घंटे लगे 177 करोड़ रुपए गिनने में। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के इतिहास में आज तक किसी छापे में इतना कैश नहीं मिला है। इसकी सूचना मिलने पर कस्टम, आयकर के ऑफिसर भी पहुंचे। हालांकि आयकर ने जांच शुरू कर दी है, और मामला पूरा क्या है ये अभी भी समझा जा रहा है कि आखिर इतना पैसा कहां से आया। अगर ये इनका कमाया हुआ या फिर जो है कर चोरी करके पैसा रखा गया था, तो इतना पैसा घर के अंदर क्यों रखा गया था। तो ये तमाम चीजें हैं, और इसमें अब राजनीति भी शुरू हो गई है। राजनीति ये है कि सरकार सपा पर तंज कस रही है और कह रही है कि ये कर चोरी का मामला है, सरकार बौखला गई है डर से कि हमारी सरकार जाने वाली है, इसलिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। तो इसी चर्चा पे हमारे साथ सपा से
प्रदीप चौधरी जी जुड़ चुके हैं, इनसे चर्चा करेंगे। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह की छापेमारी की जा रही है सपा नेताओं के घर, क्या कहेंगे आप? छापेमारी सपा नेताओं के घर हुई, वहां कुछ नहीं मिला। और जब जब चुनाव आता है, आपने देखा होगा, जब कोई केंद्र का चुनाव आता है तो रावण वाड्रा को नोटिस आता है, दो तीन दिन प्रियंका जी उसको ऑफिस छोड़ के आती है उनको, उसके बाद पता नहीं जांच में क्या हो जाता है, फिर ना रावण वाड्रा दिखाई देते हैं ना ईडी दिखाई देती है। इसी तरीके से जब कोई चुनाव होता है तो ये तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग करके सहारा लेते हैं। लेकिन जिस तरीके से तमाम हमारे कार्यकर्ता या नेताओं का छापा पड़ा, वहां कुछ नहीं मिला। लेकिन जिस तरीके से इस कार्रवाई को, पीयूष जैन वाली कार्रवाई को हमारी पार्टी से देखा जा रहा है, ये ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ तथाकथित पत्रकार, हो सकता है सुबह भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जाते हो और वहां से न्यूज लेके आते हो हमें शाम को क्या छापना है। पम्मी जैन हमारी पार्टी के एमएलसी हैं कन्नौज से, इत्र उन्होंने बनाया है, पीयूष जैन का पम्मी जैन का कोई संबंध नहीं है। लेकिन जिस तरीके से दुष्प्रचार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है फेसबुक व्हाट्सएप की झूठी यूनिवर्सिटी चलाती है और उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर संबित पात्रा जैसे लोगों को बना रखा है, जो केवल और केवल दुष्प्रचार, झूठा प्रचार, झूठी खबर फैलाना। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव का समय है, इस समय उत्तर प्रदेश में एक तरफा अखिलेश यादव जी की लहर चल रही है। जिस तरीके से रथ यात्रा में लाखों लाखों लोग दिन में तो दुनिया की रैली में आते हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी का रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे लोग इंतजार करते हैं, क्योंकि उनकी छवि को डेंट करने के लिए मीडिया ऐसा या भारतीय जनता पार्टी अपने फेसबुक आईटी सेल के माध्यम से इस तरीके के तमाम प्रोपेगेंडा बनाएगी। ये हम पहले से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में चुनाव जीतने के लिए कोई दूसरा रास्ता ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हिंदू मुस्लिम करेगी, जातवाद पर करेगी, इस तरीके की सीबीआई ईडी तमाम तरह के प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पर रचने का काम करेगी। लेकिन प्रदेश की जनता भी मन बना चुकी है, क्योंकि वोटर मन पहले बना लेता है। बदलाव की बयार है, क्योंकि अखिलेश यादव जी की बहार है, इसलिए 2022 में समाजवादी सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, मैं पूछना चाहता हूं, एक देश के प्रधानमंत्री, 36 इतने राज्य होते हैं देश पर काम करने के लिए प्रधानमंत्री जी पे, लेकिन प्रधानमंत्री जी को ऐसे मान लीजिए कि कुछ समय के लिए योगी जी ने इस्तीफा दे दिया हो और मानिए देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हो। इस कदर लगातार हफ्ते में 3-3 बार आ रहे हैं तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री, अरे वो अपने प्रदेशों में काम करें। या योगी जी ने 4-5 साल सीएम रहे तो 5 साल योगी जी को जनता को बताने दो ना कि योगी जी का रिपोर्ट कार्ड क्या है। योगी जी तो बता नहीं रहे, योगी जी का रिपोर्ट कार्ड देश के प्रधानमंत्री बता रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आके बता रहे हैं, केंद्र के मंत्री आके बता रहे हैं। प्रदीप जी, स्टार प्रचारक उतारे जा रहे हैं अभी से उत्तर प्रदेश की भूमि पर, तो क्या इससे सपा डर रही है जो आप ये बात कर रहे हैं? ये हम डर नहीं रहे, हमारा स्पष्ट है, जनता का जनादेश है अखिलेश यादव जी को 351 सीट जनता देने जा रही है। यही बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी को रात को सोने नहीं देती है, इसीलिए पूरा देश छोड़ करके पूरी केंद्र की सरकार, अन्य प्रदेशों की सरकार, उनके कार्यकर्ता, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, ईडी, सीबीआई, मतलब सारी जो देश की संस्था है वो जी। आप बताइए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट, हमारा हम न्याय का भरोसा करते हैं जी। सुप्रीम कोर्ट के जज को आदेश करने का अधिकार है, एक सुप्रीम कोर्ट के जज, मैं तो इसमें कहता हूँ वो हाईकोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट को जांच करानी चाहिए जी। भाई चुनाव टालने का अधिकार चुनाव आयोग का होता है, प्रधानमंत्री का होता है, ये चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है। हमने पहली बार सुना है, जब से राजनीति कर रहे हैं 20 साल हो गए, लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं कि देश के प्रधानमंत्री की बीटी में चुनाव आयोग जा रहा है। बड़ी शर्म की बात है, जिस संस्था को हम स्वतंत्र मांगते हैं, चुनाव आयोग को, भारत की संस्था है जिस पर चुनाव कराती है, संवैधानिक अधिकारों से कराती है, वो चुनाव आयोग प्रधानमंत्री की मीटिंग में जा रहे हैं और हाईकोर्ट के जज साहब को ये कहना पड़ रहा है कि क्यों मैं अरे अपील कर रहे हो आप, और वो भी प्रधानमंत्री थे, आप तो डायरेक्शन देते चुनाव आयोग को, या आपको अधिकार है रोक लगाने का या करने का, आपने कैसे आप अपील कर रहे हो। ये लोकतांत्रिक संस्थाएं जो हमारे भरोसे की हैं, जिन पे आम आदमी न्याय के लिए, लेकिन इस सरकार से उम्मीद इसलिए नहीं की जा सकती, जो न्याय देने वाले 5 जजों ने एक साथ होकर के प्रेस वार्ता की, वो बेचारे आज तक गायब है उनका, मतलब ये बहुत लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसा नहीं लगते हैं लोग, केवल षड्यंत्र, प्रोपेगेंडा रचना, लोकतंत्र की हत्या करना, भाई से भाई को लड़ाना, दुष्प्रचार करना, क्योंकि दुष्प्रचार की यूनिवर्सिटी आईटी फेसबुक व्हाट्सएप से भारतीय जनता पार्टी चला रही है, इनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 2022 में बदलाव होगा जी, और अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। हमारे साथ बीजेपी से देशबंधु दीक्षित भी जुड़ चुके हैं। देशबंधु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से ये मामला सामने आ रहा है और अब सपा कह रही है कि जो पीयूष जैन है उनका सपा से कोई भी लेना देना नहीं है, और इधर बीजेपी जो है आरोप लगा रही है और तंज कस रही है, क्या कहेंगे?
शिखा जी, जैसा कि आपने ये मुद्दा छेड़ा है, अभी हमारे प्रदीप जी बोल रहे थे खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, जिसका कंठ और आकंठ गले भ्रष्टाचार से डूबा हुआ है, वो ऐसी बात करे हास्यास्पद लगता है। गायत्री प्रजापति का केस अभी लोग भूले नहीं हैं। मान्यवर, जनता ने आपको जूते मार के भगाया है और हमारे कर्मों का ये फल है। और हम जी भाषा मर्यादित रखे, भाषा भाषा मेरी भाषा मेरी मर्यादित है, भाषा मेरी मर्यादित है, भाषा बहुत कोई क्षमा नहीं, क्षमा मैं नहीं मांगूंगा। आज भी और ये भी बता दो, आप मेरी बात सुनिए, मेरी भाषा बहुत प्यारी है, आप उल्टा चोर कोतवाल को डांटे नहीं प्रदीप जी, कोई मैं क्षमा नहीं मांगूंगा। और दूसरी बात, आज भी देखिए आजम खां के मुकदमे चल रहे हैं, अब भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार का आकंठ में डूबा हुआ है, जूता मैं भी पहनता हूं। और चुप तो सो चलनिया तो बोले, तो आपका भ्रष्टाचार, आपका भ्रष्टाचार का ही कारनामा है कि जनता जनार्दन ने आपको भगा दिया। और हमारा सबका साथ सबका विश्वास और सबके विश्वास की नीति है कि आज 16 राज्यों में अंग्रेजों के दलाल चला रहे हैं। 2014 में जनता ने आपको जवाब दिया, 2017 में आपको जवाब दिया, 2022 में देश बंधु जी, प्रदीप जी, हम लोग यहाँ चर्चा करने बैठे हैं, तो जिस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं वो आराम से हो, और दोनों लोग दोनों पैनलिस्ट शब्दों का चयन देश बंधु जी और प्रदीप जी दोनों शब्दों का चयन सोच समझ के करें। आपको जनता देख रही है, आपके गृह मंत्री नहीं है, आप मेरे को संस्कार संस्कृति की भाषा सिखाएंगे, आपके प्रधानमंत्री नहीं है, आप देश की भक्ति की बात करते हैं, आपके प्रधानमंत्री नहीं है, आपके गृह मंत्री नहीं है, आप जब भी कहते हैं मेरे प्रधानमंत्री है, 130 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप मेरी भाषा शैली को सिखाएंगे, आप पहले अपने शब्दों पर विचार करिए, आपके प्रधानमंत्री नहीं है, अभी प्रधानमंत्री आने तो आप प्रधानमंत्री नहीं कहेंगे, आपको वंदे मातरम बोलने में शर्म लगता है, आपको भारत माता की जय कहने में बहुत शर्म नहीं लगता है, आप बंगाल में जूता खा के आए क्या खा के आए, हम जूता नहीं खा के आए, हम जूता नहीं खाए, नहीं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप अल्पज्ञानी है, आप अल्पज्ञानी है, तीन सीट पड़े ना, तीन सीट बंगाल में, तीन सीट से 74 सीट पे आए हम, आपकी भाषा है, आपका ज्ञान नहीं है, पढ़ के आया करिए, आपके प्रधानमंत्री नहीं है, केवल परिवारवाद की बात करते हैं, मैं दोनों को रोकना चाहूंगी, परिवार के अलावा देश बंधु जी, प्रदीप जी, देश बंधु जी, प्रदीप जी, हम यहाँ जूते पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, रुक जाइए दोनों, ये बाधा आपकी पैदा होने वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले ही डिसाइड हो सकता है, आप क्या बात करेंगे भाषा शैली पे, हम मुद्दे पे लौटे, हम मुद्दे पे लौट सकते हैं, प्रदीप जी आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप गली के नुक्कड़ के नेता हो, प्रदीप जी टीवी पे बोलने वाले नेता नहीं हो सकते, आपके प्रधानमंत्री नहीं है, ऐसी भाषा बोली जाएगी, आप वो आपके प्रधानमंत्री नहीं है, आप भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, वो आपके प्रधानमंत्री नहीं है, क्या मुद्दे पे लौट सकते हैं, आपको बंगाल की जनता ने जूते मार के भगाया, कोई बंगाली आपके ज्ञान के हो, अभी 2022 में वही अभी आएगा, यूपी की जनता तुमको जूते मार के भगाएगी, वो आगे करेगी, वो तो समय बताएगा, आपसे बड़ा भ्रष्ट है कोई, आपका तड़ीवार गृह मंत्री जेल काट गया सजा जाता, आपका टेनी जो किसानों को गाड़ी चला के मार देता है, आप न्याय की बात करेंगे, शर्म नहीं आती आपको, आपको नहीं आती, आपके शर्म नहीं आती आपको, क्या हम लोग जूते की चर्चा छोड़ सकते हैं, आपके आज माननीय आज जेल काट रहे हैं, आप मुझे देश बंधु जी प्रदीप जी, सत्ता आएगी या जाएगी वो जनता बताएगी, देश बंधु जी प्रदीप जी, भारतीय जनता पार्टी कमल सब साबित प्रदीप जी पवित्र करेंगे, क्या आप इस चर्चा करना नहीं चाहते, क्या आप डर गए हैं, हम चाहते हैं इनकी भाषा नहीं देखने, नहीं, आप कहाँ जा रहे हैं, दोनों गेस्ट से मैं पूछ रही हूँ कि आप लोग जूते पे चर्चा क्यों कर रहे हैं, वो तो जनता बताएगी ना कि किसकी सत्ता आएगी, अगर अगर एक व्यक्ति अमर्यादा तो दूसरा क्यों होता है, वो आपके गृह मंत्री नहीं है, आप सबसे पहले आपका भारत माता की कहने में जय है, आप जिन्ना की बात करते हैं, आप राम की बात करते हैं, आप अपने भ्रष्टाचार की बात करें, अरे पहले हालचाल पता करके आइए, पहले जेल जाइए पता करके आइए, पहले गायत्री प्रजापति का हालचाल लेके आइए, पहले आजम खान का हालचाल लेके आइए, शब्दावली और संस्कृति संस्कार की बात बताइए, हमारी हमारी पार्टी संस्कृति और संस्कार की पूरी भाषा करती है, देश बंधु जी गुजरात से कोई आदमी मेरे पास एक सवाल है, वो गुजरात से आए चाहे अहमदाबाद से आए,
आपका प्रधानमंत्री नहीं है, वो 130 का नेतृत्व करता है। आप हो सकता है किसान देशबंधु जो तुम्हारे पिताजी फौज में थे, भाई कोई फौज में है प्रदीप जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या हम मुद्दे पे लौट कर आए? हाँ मुद्दे पे लौट गए, इनसे कहिए भाषा का इस्तेमाल ठीक जी। आपने भी भाषा का कोई सही उपयोग नहीं करा। प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का उपयोग करेंगे और मेरी भाषा वाली पे आप प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। दोनों पैनलिस्ट को शांत कराना चाहती हूँ। प्रदीप जी एक समाजवादी पार्टी और प्रदीप जी एक आपके कहने से वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। देशबंधु जी अगर आप शांत नहीं हुए तो आपका पैनल इशू करवा दूंगी, आवाज बंद करवा दूंगी मैं। देशबंधु जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जिस तरह से प्रदीप जी ने कहा है कि उनका कोई भी लेना देना नहीं है पीयूष जैन का सपा से, और इधर ये भी बात सामने आई है सपा की तरफ से कि फंडिंग करते थे बीजेपी को पीयूष जैन, जब ज्यादा फंडिंग की मांग की गई तो उसके बाद नाराज हो गए और जो है सपा से जाके मिल गए, उनसे जो है संपर्क में रहे, कटने लगे बीजेपी से, इसकी वजह से ये छापेमारी हुई है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? शिखा जी आपका चैनल एक बहुत विश्वसनीय चैनल है और आपके दर्शकों को मैं पूरी विश्वसनीयता के साथ और अपनी नैतिक जिम्मेदारी के साथ बता सकता हूँ, इनकी पूरी पार्टी आज तो ये पीयूष जैन से नाता तोड़ रहे हैं, क्या ये गायत्री प्रजापति से भी संबंध तोड़ सकते हैं? क्या इनके माननीय आजम खान से ये संबंध? अभी देखिएगा चुनाव तक इनके जो भी काले कारनामे हैं वो पूरा का पूरा चिट्ठा खुलेगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सर्विद ईडी मेरे द्वारा नहीं, वो एक संवैधानिक संस्था है, वो किसी के ऊपर भी छापा मार सकती है जब उसको सूचनाएं मिलती हैं तो। आय से अधिक आपने देखा नोट गिनने के लिए भ्रष्टाचार, दीवारों में पैसे निकले गए, अब इसका कोई सबूत मैं नहीं दे सकता हूं। आप मीडिया बंधु हैं, आप स्वयं समझदार हैं और आपके पास सारी सूचनाएं एकत्र होंगी। आप शब्दावली की बात हुई, मैं आप सबसे कह सकता हूं, वो हमारे प्रधानमंत्री है, चुनी हुई सरकार है, लोकतांत्रिक भारत देश है, 130 करोड़ ने उनको 2014 में चुना था और 2019 में भी उससे ज्यादा बहुमत से। और शिखा जी मैं गलत कह रहा हूं कि नहीं, आप बताइए क्या इनके गायत्री प्रजापति पर नहीं आरोप सिद्ध हुए? आप भी देखिए 57 मुकदमे अभी भी चल रहे हैं, जेल में हैं। क्या भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर इनका विश्वास नहीं? हाई कोर्ट पर इनका विश्वास नहीं? सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं? केवल एक परिवार की संस्था पर ही विश्वास है, वही परिवार विश्वास की डोरी पे है, वही नैतिकता की परिभाषा है, उसी की शपथ ग्रहण करेंगे। यादव के अलावा किसी का विकास हुआ तो बता दें मुझे। आप प्रधानमंत्री के लिए मेरी शब्दावली पे, मैंने शब्दावली कब यूज की ये शिवाजी आप भी जानते हैं कि हमारा संगठन बहुत ही संस्कारी है और हम लोग की भाषा बहुत शब्दावली। गलत चयन किया था देशबंधु जी, आपको स्वीकार करना चाहिए। देखिए शिखा जी, जनता देख रही है। शिखा जी, प्रदीप जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। शिखा जी मैं आपकी बात को फिर कहूंगा। जी जी शिखा जी, प्रधानमंत्री वो मेरे हैं जी, तो मीडिया आप भी हैं शिखा जी, सभी के प्रधानमंत्री। क्या एक प्रधानमंत्री के लिए ऐसी शब्दावली? मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी प्रदीप जी। शिखा जी जब ये बिल्कुल चुप हो जाऊंगे तो मैं शांति से जवाब दूंगा। जी बिल्कुल प्रदीप जी, नोटों की गड्डी निकली है, जब इससे पहले तीन सपा नेताओं पे के घर पे छापेमारी हुई थी तो अखिलेश यादव ने ये कहा था कि हमने कुछ गलत नहीं किया, जब कुछ मिलेगा तब इसके ऊपर कार्रवाई होगी, तब हम कुछ कहेंगे, और कितना भी कुछ कर लिया जाए, आईडी हो या ईडी हो, किसी की भी जांच हो, लेकिन साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी। लेकिन जो ये नोट की गड्डी निकल रही है और सपा के नेताओं पे छापेमारी करी जा रही है और आईटी और ईडी जी, शिखा जी जी मैं अपनी बात पूरी कर लूं। हाँ अपनी बात पूरी करिए जी। आईटी और ईडी ये ऐसी संस्थाएं जो किसी के ऊपर भी कार्रवाई करती हैं जब इनको कोई सबूत मिलता है, तो अब जब ये कार्रवाई की जा रही है तो ये क्यों कहा जा रहा है कि सरकार द्वारा कराई जा रही है? जी ऐसा है शिखा जी, पम्बी जैन हमारी पार्टी के एमएलसी हैं जी, कन्नौज से जी, उन्होंने इत्र बनाया समाजवादी पार्टी, हम आज भी कह रहे हैं और हम देश बंधु जी के भिजवा भी देंगे, थोड़ा दिमाग भी ठीक हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, बहुत अच्छी ठंडक मिलती है। धन्यवाद, आप यूज करिए, आप उसका प्रयोग करें और आप खुश रहें। शिखा जी आपको इतनी ज्यादा जरूरत है क्योंकि बदबू आपके पार्टी से आपसे ज्यादा। देशबंधु जी फिर आप गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो शिखा जी मैं ये कहना चाहूंगा जी, क्या पीयूष जैन जैन है और पम्बी जैन जैन है? क्या जैन होना एक लिंकअप होता है क्या? जिस तरीके से नीरव मोदी और ललित मोदी हैं, तो फिर तो प्रधानमंत्री से जोड़ दो, वो भी मोदी हैं। क्या किसी का टाइटल होना, किसी को जोड़ना है
तो नीरव मोदी फरार हो गए पैसे लेके, ललित मोदी फरार हो गए तो प्रधानमंत्री से जोड़ दिया जाए कि उनके रिश्तेदार हैं। ऐसे ही पम्मी जैन को पीयूष जैन से इसलिए जोड़ा जा रहा है कि वो भी जैन है और वो भी जैन और एक ही कन्नौज वो कानपुर रहते हैं। मैं ये कह रहा हूं हमारी पार्टी अधिकारी ट्विटर सारी कह चुकी है कि पम्मी जैन हमारी पार्टी के MLC हैं, उनने हमारा इत्र बनाया है, पीयूष जैन से हमारा कभी कोई लेना देना नहीं है। पीयूष जैन भारतीय जनता पार्टी का फाइनेंसर है, चंदा देता था, इस बार अधिक चंदा देने का उस पर दबाव था, उसने मना कर दिया, ये कार्रवाई बदले की है। इससे हमारा कोई लेना नहीं है, ना वो हमारी पार्टी के सदस्य है, ना किसी कार्यक्रम में, ना हमारे साथ कोई फोटो है, ना हमारा आना जाना है, ना कोई मतलब है उनसे। अब किसी को तुम इस नाते जोड़ दोगे कि वो कन्नौज के जैन है और पम्मी जैन भी कन्नौज के हैं, तो मैं तो कह रहा हूँ ना आपसे, ललित मोदी और नीरव मोदी भी दोनों मोदी हैं, तो मानिए प्रधानमंत्री जी के कहीं से संबंध है, जिसका मतलब प्रधानमंत्री सम्मिलित हो गए उसमें, जो देश का पैसा लेके चले गए। ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है जी। और ये बौखलाहट हार का कारण है। जिस तरीके से अब ये संस्थाओं की बात कर रहे हैं, अरे इनसे ज्यादा संस्थाओं का दुरुपयोग तो किसी ने नहीं किया। आपने कभी सुना न्यायपालिका आकर के पांच उसके जज, सुप्रीम कोर्ट के जज प्रेस वार्ता करेंगे और कहेंगे हमें दबाया जा रहा है, हमसे जबरन कराया जा रहा है, ये कभी सुना था आपने? नहीं सुना था। भारतीय जनता पार्टी मैनिपुलेटेड है, मतलब जो किसी चीज को झूठ को सच फैलाने में इनसे ज्यादा कोई नहीं मानता। और रही बात आपने कहा कि वंदे मातरम में भारत माता की जय नहीं बोलते, अरे मैं एक फौजी का बेटा हूं, मेरे परिवार में 10 ही लोग फौजी हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बताया उसके घर में तो कोई फौजी में हो? मेरे यहां तमाम शहादतें हुई हैं। तो मुझसे ज्यादा कोई अगर देश की बात आप करो तो 52 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी के जो अनुशासन संगठन है RSS, उसने नागपुर में तिरंगा नहीं फहराया 52 वर्ष तक। तो ये लोग जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, बात डिबेट मुद्दे की है। और मुद्दा मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूं, पीयूष जैन से समाजवादी पार्टी का ना कोई मतलब है, ना था और ना मतलब रहेगा। पीयूष जैन भारतीय जनता पार्टी को चंदा देता था, पीयूष जैन ने इस बार चंदा देने से मना कर दिया, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको बदले की कार्रवाई की है। हमारे यहाँ जिन लोगों का तमाम एजेंसियां कही थी, किसी का 17,000 रुपए मिले, किसी का 50,000 रुपए मिले, किसी का कुछ भी नहीं मिला। समाज में रही बात, आपने कहा यादवों का भला होता है, आप इधर तो कह रहे हैं यादवों की बात कर रहे हैं, तो गाची तो प्रजापति थे, आजम खान तो मुस्लिम है, तो अभी कह रहे हैं यादवों का भला हुआ है। ये लोग केवल लोगों को गुमराह करते हैं। मैं पूछ रहा हूं, आपने केशव मुरारजी के नाम पर सरकार बनाई, बेचारे को स्टूल भी नहीं दिया। रही बात अपराध की, तो आपके मुख्यमंत्री जी ने और आपके उप मुख्यमंत्री दोनों ने अपने ही मुकदमे अपने साइन से वापस ले लिए। आप लोकतंत्र की बात करोगे? आप न्यायालय पे भरोसा रखते? आप दोषी निर्दोष न्यायालय से बरी हो जाते, लेकिन आपने खुद के मुकदमे वापस ले लिए, अपनी बात नहीं कहेंगे? आपके आपके अजय मिश्रा आपकी सरकार है, ये साबित हो गया कि उन्होंने किसानों को कुचला, ये साजिश संबंध नहीं, ये तो आपने साफ कर दिया। लेकिन जिस तरह से तीन नेताओं के ऊपर IT की रेड पड़ी थी, तो उसके बाद ये चीज सामने आई थी कि सरकार बौखलाहट में ऐसा कर रही है, यानी आपने कहा कि सरकार के द्वारा कराया गया है। शिखा जी ने एक माह पहले ही कहा था, एक बात पूछूं आपसे जी, तो क्या मैं ये पूछना चाहती हूँ, जी आप पूछ लीजिएगा, लेकिन मैं अभी सवाल कर लेती हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ, जब लोकसभा का चुनाव होता है, मेरी बात मानिए, जब लोकसभा का जब भी चुनाव होता है, रावत बाड़ा को ED नोटिस देती है और बयान के लिए बुलाती है। जब चुनाव खत्म हो जाता है तो ना रावत बाड़ा कहीं दिखाई देते हैं, ना कहीं उनकी ED दिखाई देती है। जैसे ही 2024 का लोकसभा आएगा, नोट कर लीजिएगा, रावत बाड़ा को नोटिस चला जाएगा। मैं सवाल पूछना चाह रही हूँ कि आपकी सरकार आती है तो क्या आप भी BJP के ऊपर कार्यवाही कराएंगे? हम लोगों ने सिखा दी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के हमारे पास आते थे ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए। अखिलेश यादव जी ने अपने विधायकों का काम बाद में किया, विपक्षी नेताओं का काम सबसे पहले करते, जो भी, क्योंकि जो जनता से चुन के विधायक जाता है उसकी जनता की उससे अपेक्षा होती है, वो दल और विपक्ष का नहीं माना जाता है। एक विधायक को कोई विधायक काम लेके जाए चीफ मिनिस्टर पर, क्योंकि चीफ मिनिस्टर पूरे प्रदेश का होता है, तो वहां दल और ये नहीं देखा जाता है, ना बदले की भावना से कार्रवाई की जाती है। अगर बदले की भावना से कार्रवाई हम लोग करते हैं, सरकार जो है बौखला रही है, इसलिए ऐसा करवा रही है। बिल्कुल 100% सरकार बौखलाहट में है। आप सत्ता में आ जाएंगे तो आप भी BJP के ऊपर, देशबंधु जी के ऊपर कार्रवाई करवाएंगे? हम बदले की बात, हम विकास की बात करते हैं, हम भाईचारे की बात करते हैं, हम सौहार्द की बात करते हैं, हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम शिक्षा की बात करते हैं, हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, हम बदले की भावना पर काम नहीं करते। ये भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोगों में है कि बदले की भावना से कार्रवाई करना, क्योंकि इन्हें सत्ता से प्यार है और हमें अपनी जनता और अपने प्रदेश से प्यार है।
जी देशबंधु जी, जब बीजेपी सत्ता में आई उसके बाद गाज गिरनी शुरू हो गई थी सपा पे, यानी कि सत्ता में आते ही शिकंजा कसने लगा था। अगर सरकार आपकी चली जाती है और सपा की सरकार आ जाती है तो क्या आपको लगता है, आपको इस बात का डर है कि आपकी पार्टी में भी घोटाले हुए होंगे, भ्रष्टाचार हुए होंगे, आपके ऊपर भी इसी तरह की गाज गिरेगी? शिखा जी मुझे 2 मिनट दीजिएगा जी, इन्होंने अभी बात की तथ्यों के साथ, मैं इनको तथ्यों के साथ ही अपने मित्र को समझाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। और देखिए, मैं माननीय अखिलेश भैया की मैं बहुत इज्जत करता हूँ और वो बहुत प्रशंसनीय हैं, लेकिन आप बताइए, जैसे इन्होंने पहले तो एक मुख्य मुद्दा है शिखा जी, आप भी जानते हैं, क्या यह गायत्री प्रजापति के भ्रष्टाचार को इनकार कर सकते हैं या कह सकते हैं उनका इन पार्टी से कोई संबंध नहीं था? या माननीय आजम खां जो आज जेल में बंद हैं, क्या ये वो उनके पार्टी के नहीं थे? और दूसरी बात, यह संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न उठाते हैं, यह बता दे सपा का अगला अध्यक्ष कौन होगा? क्या प्रदीप जी स्वयं होंगे? नहीं, लेकिन आप भी जानते हैं सपा का अगला अध्यक्ष प्रदीप जी आप होंगे, तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। यह सर्वविदित है सपा का अगला अध्यक्ष, ये आप जानते हैं, मेरे को रिवर्सिबल या उत्क्रमणी अनुक्रमणी आप अभिक्रिया मत बताइए। रही बात सुशासन की, तो 4.5 साल में शिखा जी आप, मैं जिम्मेदारी पूर्वक कहता हूं अपनी पार्टी की तरफ से, 4.5 साल की हमारी सरकार ने एक भी दंगे नहीं हुए, और इनकी सरकार में भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, आप चाहे देखिए, अभी आपने पिछले चुनाव का उदाहरण देखिए, देखिए तथ्य दीजिए, मुझे 1 मिनट समय दीजिए, 2 युवाओं का आपने देखा साथ, आप भी जानती हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी को छोड़कर सोनिया गांधी हो या रॉबर्ट वाड्रा जी हो, यह तीनों लोग बेल पर हैं। आप बताइए, एक भ्रष्टाचार लोग, मैं अगर कहूंगा तथ्यों पे, साहित्य भी है, जैसी संगत वैसी रंगत, दो युवाओं का साथ रहा, और आप बताइए वो लोग भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे, जहां माननीय सुप्रीम कोर्ट, आप जानते हैं अगर ये उसकी भी बात की अवहेलना करते हैं, उस पर भी विश्वास नहीं करते, वहां से बेल पे छूटे हुए जी। और रही बात हमारी सरकार, यही सरकार है, आपने भी देखा होगा, ये हमेशा पूछते थे राम मंदिर कब बनेगा लेकिन डेट नहीं बताएंगे। आज देखिए यशस्वी प्रधानमंत्री की जीवटता का प्रमाण है कि बिना शांतिपूर्वक अयोध्या में देखिए विराट राम मंदिर बन रहा है। उसी तरह धारा 370 जैसा जब अति संविधान है, ये हमारे गृह मंत्री पे आक्षेप लगा रहे हैं, या उनकी जीवटता विश्वसनीयता का प्रमाण है। देखिए कितने शांतिपूर्वक धारा 370 को भी समाप्त किया गया। आज हमारे जम्मू कश्मीर में केंद्रीय बल देखिए शांति है, एक भी दंगा नहीं हुआ, लेकिन हम यहाँ मुद्दे पे हैं कि पीयूष जैन किसकी पार्टी के जुड़े हुए हैं। मैंने कहा ना जी, सपा ने साफ कर दिया है कि सपा से जुड़े हुए नहीं हैं, एक संबंध है। आप यह मान सकती हैं अगर उनके कथित परिवार के रिश्तेदार जो कि समाजवादी पार्टी से एमएलसी हैं, मैं गलत कह रहा हूं तो आप तथ्य को इनकार कर सकती हैं जी। और जिसके फर्मों पे, फर्म का एक होता है जीएसटी, कोई भी टैक्सेशन होता है, लेकिन आप बताइए कभी भी पीयूष जैन ने बीजेपी को फंडिंग की है? बोगस कंपनियों के द्वारा जी, हमारा ऐसी पार्टियों से, ऐसे भ्रष्टाचारों से, आप जानती हैं जिस दिन से हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली है, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के खिलाफ उनका जीरो टॉलरेंस रहा है। आपने देखा होगा वो लगभग अपने सभी भाषणों में बोलते हैं, अगर गुंडागर्दी करनी हो तो या तो प्रदेश छोड़ दो, नहीं तो हमें दूसरा कठोरतम रास्ता अपनाना पड़ेगा। और भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने कभी भी जी, कोई भी उपाय नहीं हुआ है, उसको या तो जेल में जाना पड़ेगा। आप बताइए, सरकार सख्त तो नजर आ रही है अपराध और अपराधियों के खिलाफ, लेकिन क्या जो पीयूष जैन है उसने कभी बीजेपी में फंडिंग करी है या नहीं, मैं ये जानना चाहती हूँ। नहीं, पीयूष जैन से हमारी पार्टी का और किसी भी भ्रष्टाचार पार्टी से हमारा कोई संबंध नहीं, इस बात को मैं बड़ी, तो फिर एक दूसरे पे आरोप क्यों लगाया जा रहा है, सपा बीजेपी पे, बीजेपी सपा पे? नहीं, इनका आरोप बेबुनियाद है। हाथ कंगन को आरसी क्या, मीडिया बंधु है, आप लोग के पास सभी जानकारी है और आपका चैनल एक विश्वसनीय है। आप बताइए, या तो कल को कह देंगे गायत्री प्रजापति से भी हमारा संबंध नहीं था, ये तो कल को कह देंगे आजम खान से भी हमारा संबंध नहीं था, और भी जितने भ्रष्टाचार हैं, राहुल जी कल तक इनके साथ घूमते थे, अब कहते हैं भाई भाई हमारी सरकार नहीं बनी, उनके साथ घूम के हम थक गए हैं, राहुल गांधी जी से हमारा संबंध नहीं है, ये तो गलबलियां हैं।
और ये झूठे आरोप लगा के केवल जनता को गुमराह कर और उनका ध्यान भटकाने के लिए, ये कभी हम राम की बात करेंगे तो ये जिन्ना की बात कर लेंगे। जी बिल्कुल, प्रदीप चौधरी जी आप क्या कहेंगे, एक फाइनल आंसर। मैं अभी इनकी बात का जवाब देता हूँ जी। गायत्री प्रजापति, इनको मैं बता दूं, गायत्री प्रजापति जिस अपराध में है वो सजा काट रहे हैं, क्योंकि न्यायालय जो अपराध सिद्ध होगा न्यायालय उसको सजा देगा जी। हमारी पार्टी के विधायक थे, मंत्री थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, तो हम कोई डिनाई नहीं कर रहे हैं, नहीं थे। लेकिन आप जब बात कर रहे हैं दंगों की, इन्होंने बात की कि हमारी सरकार में दंगे नहीं हुए, दंगे कराने वाले खुद जब सत्ता में होंगे तो अपनी सरकार को बदनाम नहीं कराएंगे। मुजफ्फरनगर दंगा कराने में इनका हाथ था, इनके लोग चार्जशीट हुए, इनको लोग जेल गए, क्योंकि ये खुद दंगाई है। और जब रक्षक ही बक्षक बन जाएंगे तो सरकार नहीं चलेगी। इसलिए दंगा कराने की अगर आप बात करो, जो दंगा कराने वाले थे तो सत्ता में, इसलिए दंगा होना तो स्वाभाविक बात नहीं है। दूसरी बात शिखा जी आपको बता दो, इन्होंने कहा जीरो टॉलरेंस की बात करते हो क्राइम पे, तो अभी एसआईटी उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई, एसआईटी ने लिख के दिया है, रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की है कि अजय मिश्रा और टेनी का बेटा जो किसानों पे गाड़ियां चढ़ाई वो सुनियोजित थी, पहले से प्लांटेड थी। तो फिर इनका बुलडोजर कहा, क्या तेल खत्म हो गया बुलडोजर में? क्या लखीमपुर की तरफ देशबंधु से पूछना चाहता हूं बुलडोजर जाएगा? अरे डीजल नहीं है तो हमसे ले लो भाई, हम दे देंगे। लेकिन कम से कम जो बुलडोजर आपका चला है अपराधियों को तो चलना चाहिए ना, तो लखीमपुर की बुलडोजर कब जाएगा? तो इस चर्चा में सिर्फ यही सामने आया है कि कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि पीयूष जैन का संपर्क किस पार्टी से था। तो हमारे पास समय की कमी है यहाँ पे, पीयूष जैन, मैं शिखा जी, पीयूष जैन भारतीय जनता पार्टी का फंडिंग करता था, चंदा देता था, अधिक चंदा ना देने पर उस पर कार्रवाई हुई है। पीयूष जैन का समाजवादी पार्टी कोई लेना देना नहीं है, हमारे संबंध और हमारी पार्टी के नेता पम्मी जैन है जिन्होंने हमारा इत्र बनाया था। पीयूष जैन से समाजवादी पार्टी का कोसों तक कोई लेना देना नहीं है। जी बिल्कुल, हमारे पास समय की कमी है। तीनों नेताओं में एक नेता जो है माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश भैया के ओएसडी रहे, यह बात मैं अपने सपा के मित्र को बता दूं, अगर क्या मिला नहीं क्या? तो पढ़ ले ओएसडी साहब, क्या कुछ मिला क्या? अरे बिल्कुल मिला है, अभी सब जानकारी है, तथ्य है, जांच है, मुझे जानकारी है, आपको जानकारी नहीं है। एक नेता के यहाँ, एक नेता के यहाँ 17,000 रुपए मिले हैं, आप इंतजार और एक नेता के यहाँ मात्र 1,00,000 रुपए मिला है, किसी भी घर में रहता है, मेरे घर आइए 1,00,000 मिल जाएंगे आपके सब। फिर भी दिया इंडिया जांच होगी, तथ्य सामने आएंगे, हमारे पास समय की कमी है, मैं दोनों को रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बीजेपी से देशबंधु दीक्षित जी जुड़े थे और सपा से प्रदीप चौधरी जी जुड़े थे। तो इस चर्चा में कोई निष्कर्ष तो नहीं निकला है, लेकिन बस इतना सामने आया है कि बीजेपी सपा पे और सपा बीजेपी पे तंज कस रही है और बता रही है कि पीयूष जैन का संपर्क बीजेपी से था, सपा से था, लेकिन अभी ये चीज साफ नहीं हुई है और ये चीज साफ होगी जांच के बाद। तो तब तक कुछ भी कहना सही नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं वो काफी हैरान करने वाली है, क्योंकि 1-2 करोड़ नहीं, यहाँ पे 100 करोड़ की बात हो रही है, उससे भी ज्यादा की बात हो रही है। तो ये जांच की बात तो है ही कि आखिर इतना पैसा कब और कहां से आया। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।